I have written 10 words meaning for you. Okay, students, we are just learning words meaning. हम लोग क्या सीख रहे हैं? Words meaning सीख रहे हैं. अब words meaning में मैंने आप लोगों को लगभग 100 words meaning में से हाँ आपके लिए मैंने 10 words meaning का series लाया हुआ है. खूब अच्छे से समझना, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू. मैं इसे रूट वर्ड के माध्यम से सिखाऊंगा. हाँ, या केवल बोर्ड एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए नहीं, स्पीकिंग में भी इसकी मदद होती है. वर्ड मीनिंग के बिना आप कहाँ बोल पाओगे? हाँ, अगर वर्ड मीनिंग कोई ना पता हो तो आप कहाँ बोल पाओगे? लिखा हुआ डिप्सो और मैनिया. द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज डिप्सो मैनिया. डिप्सो मैनिया, मैनिया मीन्स होता है लत, मैनिया मीन्स होता है पागलपन. अगर किसी वर्ड के अंत में मैनिया आ गया तो समझ जाना पागलपन की बात की जा रही है. किसकी बात की जा रही है? पागलपन. डिप्सोमैनिया, शराब पीने की लत. शराब पीने की लत ऐसी लग गई है ना कि अगर शराब ना मिले तो पागल जैसा आदमी हो जाता है. हाँ, जब तक शराब ना मिले तब तक शादी में आनंद नहीं आएगा, शाम को नींद नहीं आएगा. मैंने इतने लोग ऐसे लोगों को देखा है, जब तक खाते नहीं है तब तक जाते नहीं है. हाँ, ओके, यह एक प्रकार की लत ही होती है, डिप्सो मैनिया. ओके, यहाँ पर क्या? शराब पीने की लत है, डिप्सो मैनिया. फर्स्ट वर्ड मैनिया अगर आ गया तो पागलपन या लत की बात होगी. नेक्स्ट है क्लैप्टो मैनिया. ओके, यू नो वॉट, अभिनंदन इज अफेक्टेड विद द डिजीज ऑफ क्लैप्टोमेनिया. इसको ना चोरी करने की लत लग गई है. हाँ, या चोरी करने की, इसको क्या लग गई है? चोरी करने की लत वाली बीमारी. हाँ, बेचारा चोरी नहीं करना चाहता है, किसी के घर से बगल जाता है, इसका हाँ जरूर कुछ ना कुछ उठा के लेकर चला जाता है. या क्या है, देखो मैनिया आया हुआ है और क्लैप्टो. अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके अंत में क्लैप्टो आया है, If you got any kinds of word, that will start, okay, क्लैप्टो. अगर आपको किसी words के बीच में क्लैप्टो दिख जाए, आप समझ जाना कि चोरी की बात है. ओके, और मैनिया में क्या होता है? पागलपन, सनक या लत. ओके, क्लैप्टोमैनिया, चोरी करने की लत. अगला है थियोमैनिया. तो मेरा फेवरेट वर्ड है भाई. हाँ, थियोमैनिया मतलब थियो मीन्स होता है गॉड. अगर आपको कोई वर्ड दिखे जिसकी बिगनिंग में कहीं पर भी टी एच ई ओ दिख जाए, टी एच ई ओ, इसका मतलब होता है गॉड, ईश्वर. हाँ, और मैनिया यानी पागलपन. कौन वाले मैनिया? थियो मैनिया, भगवान वाली पागलपन. मतलब हर जगह उसे भगवान दिखने लगता है. तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं, जाओ दवाई कराओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें तो एक बीमारी है, थियो मैनिया हो गया है तुम्हें. क्या हो गया है? हर जगह भगवान दिखने वाली बीमारी. हर जगह भगवान दिखने वाली वाली बीमारी. हाँ, अगर आपसे कोई कहता है ना तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, भैया क्या करूँ, जाओ दवाई कराओ पहले, और कोई दूसरा उपाय है नहीं, तुम्हें एक बीमारी होगी. कौन सी? थियोमैनिया होगी तुम्हें. क्या हो गई है? थियोमैनिया. अगला देखो स्टूडेंट्स, हाँ, मोनोगैमी. देखो मोनो मीन्स होता है सिंगल. मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल. और गैमी मीन्स होता है शादी. एक ऐसा व्यक्ति हाँ जो एक शादी करता है उसे बोलते हैं मोनोगैमिस्ट. एकल विवाह. क्या बोलते हैं? एकल विवाह. ओके, अनीस इज गोइंग टू डू मोनोगैमी. अब यह एकल विवाह करने जा रहा है. एंड हिज ब्रदर इज गोइंग टू डू बाईगैमिस. देखो मोनो है तो एक, और बाई है तो दो, ट्राई है तो तीन, हाँ, पेंटा है तो पांच, हेक्सा है तो छह. मतलब वो अगर जोड़ दे रहा हो, केमिस्ट्री का वर्ड्स है, अगर आप जोड़ते जा रहे हो तो सात विवाह कर रहे हो तो उसका कुछ होता होगा ना, एक वर्ड उसे आप शुरू में जोड़ दोगे गैमिस्ट में. एकल विवाह, एकल विवाह. ओके, द नेक्स्ट स्टॉइक. आपको पता है मेरा यह जो बच्चा है ना, ये एकदम स्टॉइक हो गया, एकदम बैरागी हो गया है. क्या हो गया है? बैरागी. हाँ, इसे हर जगह दीदी नजर आती है. ओके, बैरागी हो गया है, हर जगह सब जगह दीदी. मतलब यह कि बैरागी हो गया है लड़का. स्टॉइक मीन्स क्या होता है? बैरागी. द नेक्स्ट है एमनेसिया, भूलने की बीमारी. हाँ, स्मृति लोप, इसको क्या बोलते हैं? स्मृति लोप. अगर किसी को
हाँ एमनेसिया हो गया है ना, तो गांव वाले बोलते हैं भैया ये कोमा में चला गया है। क्या बोलते हैं? कोमा में। आप लोग ऐसा मत बोलिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग कोमा वर्ड मत बोलिएगा, आप लोग क्या बोलोगे? एमनेसिया हो गया है। ओके या यस अर्नो हैज इज इन एमनेसिया, इन द सिचुएशन ऑफ एमनेसिया। अर्नो को क्या हो गई है जी? एक बीमारी हो गई एमनेसिया, इसकी स्मृति लोप हो गई है। हाँ जैसे गजनी में कुछ देर के लिए उसकी स्मृति लोप हो जाती है ना, वो कुछ कंप्लीटली भूल जाता है, तो उसे क्या हुआ होता है? एक्चुअली 15 मिनट के लगभग एमनेसिया हो गया होता है। क्या एमनेसिया? वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? भूल जाता है चीजों को। बेबी, आप लोग कहते हैं ना हाय बेबी, बोल सकते हो भैया, यह गलत वर्ड नहीं है, बेबी इंग्लिश वर्ड है। बेबी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, या गलत वर्ड नहीं है। हाँ हाय बेबी, बेबी मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है, या गलत वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स गलत नहीं होते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है। हाँ अगला लुलैबी, लुलैबी क्या होता है भाई? लोरी। हाँ अ काइंड्स ऑफ सॉन्ग, अ काइंड्स ऑफ म्यूजिक टू मेक द चाइल्ड स्लीप, एक प्रकार का गाना जो गा गा के बच्चे को सुलाया जाता है। लारा लारा लोरी, दूध की कटोरी जो गाते हैं ना आप लोग, वह लुलैबी होता है। हाँ लोरी होता है ना। ओके द नेक्स्ट एमबी डेक्स्ट्रस, अब देखो एमबी 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 दोनों हाथ से, एमबी क्या होता है? दोनों हाथ से। डेक्स्ट्रस लिखने वाला, एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथ से लिख रहा है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इधर कुछ और लिख रहा हूँ, इधर दोनों समय एकदम, दोनों टाइम एकदम माइंड सेम काम कर रहा है, दोनों हाथ एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है। हाँ जैसा कि आप लोगों ने मूवी देखा होगा थ्री इडियट, आई थिंक थ्री इडियट में जो टीचर होता है ना, वो दोनों हाथ से सेम लिख लेता है, एकदम सवाल लगा लेता है। एक्चुअली वो क्या होता है? एमबी डेक्स्ट्रस होता है। क्या होता है? एमबी डेक्स्ट्रस होता है, मतलब दोनों हाथ से लिखने की कला इसके अंदर होती है, वो क्या कहलाता है? एमबी डेक्स्ट्रस कहलाता है। और अगला है इम्पोस्टर। हाँ इस क्लास में एक लड़का इम्पोस्टर है, जैसे कि साध, साध इज अ इम्पोस्टर, एकदम पक्का ढोंगी है, ढोंगी। इम्पोस्टर मतलब ढोंगी, इम्पोस्टर मतलब ढोंगी। हाँ कहता है कि अब प्रसाद ले लो, हाँ और प्रसाद लेने के बाद जाओगे तो नौकरी पा जाओगे, हाँ तुम्हारे घर दो नए नए लाल होंगे, मतलब यह एक तरह का इम्पोस्टर ही तो है। हाँ इम्पोस्टर, इम्पोस्टर को क्या बोलते हैं? ढोंगी। हाँ ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग सीरीज में मजा आया होगा। हाँ आप लोग वर्ड्स मीनिंग को लर्न करो, अपनी लाइफ में यूज करो। ओके कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके।